इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक हैं। नरेंद्र मोदी के बयान से नाराज होकर कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र भर में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन पर महाराष्ट्र और उत्तर भारतीयों के अपमान करने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में दक्षिण मुंबई में स्थित मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप, राज्य कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान समेत तमाम महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाई जगताप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान से महाराष्ट्र का अपमान किया है, जिसके खिलाफ हम गांधी के पुतले के सामने गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। इस बारे में पीएम को माफी मांगनी चाहिए। यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो यह विरोध बदस्तूर जारी रहेगा, ऐसा कहना भाई जगताप का है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता नसीम खान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लोगों की मदद की थी, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस पार्टी पर बयान दिया है वो अति निंदनीय है। आने वाली सभी चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, ऐसा कहना आरिफ नसीम खान का है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अभिभाषण के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार मूल के लोगों को लॉकडाउन में वापस उनके गांव लौटने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब, इस तरह के राज्यों में बड़ी तेजी से कोरोना फैला। मोदी के इस अभिभाषण से के बाद कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो ये तस्वीरें हैं आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो मंत्रालय के ठीक बगल में मैदान स्थित है। यहां महात्मा गांधी का पुतला है और उस पुतले के नीचे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हो, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम लोगों ने यहां मोर्चा निकाला और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी जी का जिस तरह से वक्तव्य देश की लोकसभा में उन्होंने दिया है वो दुर्दैव है, निंदनीय है। पूरे देश के जितने भी प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फंसे थे, उनको मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने सब जगह किया है, पूरे देश में किया है। दिल्ली में जहां पे उनका केंद्रीय शासन है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन सप्लाई करके मदद किया है। मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने पे अलग अलग राज्यों से रहने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लॉकडाउन के दौरान अपने गांव जाना था, उनको ट्रेन, उनको टिकट निकालने का, उनको भेजने का, सुरक्षित उनके गांव करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी देश के नौजवानों को रास्ते पर पैदल चलते हुए, बिलखते हुए, मरते हुए नहीं देख सकती है। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा नहीं थी और उनके वक्तव्य से लोग काफी आहत हुए हैं। उनको अपनी बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए और उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे मुंबई का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव हो, आने वाले चुनाव में उत्तर भारतीय समाज ये सबको सबक सिखाए बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहेगा। जिस तरह से इस देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था खत्म कर दी गई है, उसका हम निषेध करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षांनी काल आदेश दिले, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या जिल्ह्यामध्ये आमचे लोक त्या त्या जिल्ह्याच्या कार्यालयावर गेलेले आहेत आणि या गांधी पुतळ्यासमोर आम्ही गांधी तत्वानुसार, गांधीवादीनुसार आम्ही आमचं आंदोलन करत आहोत। त्यांनी माफी मागावी यासाठी हे आंदोलन आहे। जर नरेंद्र मोदींनी माफी नाही मागितली तर हे आंदोलन वेगळं स्वरूप सुद्धा घेऊ शकतं।